Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingprep.in. वीक खत्म हो चुका है. कल फ्राइडे के दिन हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग. निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन ऊपरी लेवल पे ये एक कंसोलिडेशन फेज, एक साइडवेज पैटर्न में पूरे दिन ट्रेड हो रहा था. ये आर्ली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ किया था. अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर इस टूल को यूज़ करके इन लेवल्स को हमने प्लॉट किया था जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है. आप देख सकते हैं इस जोन के बीच में पूरा दिन, ये आर्ली चार्ट है, पूरे दिन इस लेवल के बीच में ये ट्रेड कर रहा था. ये रिस्पेक्ट कर रहा था 61.8% के लेवल को. अभी इसने ऑल टाइम हाई लगाया है, यानी प्रीवियस जो हाई था उसी के पास ये आके क्लोज हुआ है. तो क्या यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है? मंडे को क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन सबसे पहले जो वीक खत्म हो चुका है तो एक बार वीकली चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं. हर फ्राइडे को जो वीकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं हम, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है. तो यहाँ पर ये 20 EM है, ये जो पिंक लाइन दिख रहा है यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है. तो जब तक ये 20 EM के ऊपर ट्रेड करता है तब तक निफ्टी इंडेक्स बुलिश है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं. अभी ये ऑल टाइम हाई लेवल के पास आ चुका है, यहाँ पर हो सकता है ये रेजिस्टेंस फेस करे. मन खत्म होने में अभी एक दिन बाकी है, एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है. तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है. अगर RSI को कंपेयर करें तो RSI में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बना है, ये इस तरह से, ठीक है. तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है. यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने को कई बार देखा गया है. यहाँ से ऐसा पैटर्न आने के बाद ऊपर प्राइस एक्शन में अपसाइड मूव देखने को मिलती है. तो अभी फर्स्ट इसको हर्डल पार करना होगा, ऑल टाइम हाई के लिए ऊपर सस्टेन करना होगा, एक ग्रीन कैंडल बननी होगी, तभी हमें कन्फर्मेशन मिलेगा. अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट में भी अभी तक इसने ये जो कंसोलिडेशन फेज था लास्ट 3 मंथ से, ये जो जनवरी का कैंडल है, फेब्रुवरी का इसका हाई और लो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया. अभी मई मंथ खत्म होने हुआ आया है तो अभी तक इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ. तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करे निफ्टी इंडेक्स कंफर्टेबली तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है. अदरवाइज जो यहाँ से इसने फॉल दिखाया, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं बेयर्स का प्रेशर यह देखने को मिल सकता है, तो बुल्स को काफ़ी फाइट करनी पड़ेगी इस लेवल के आसपास. तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है कंफर्टेबली तो ही हमें और भी तेज़ी यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है. डेली चार्ट को अगर देखें तो लास्ट 2 दिन से देखिए कैसे डोजी पैटर्न बना रहा है. बुल्स गैप अप ओपन तो दे रहे लेकिन रैली कंटिन्यू कर नहीं पा रहे. कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई लेवल के पास बेयर्स का यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है. तो जब तक यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता वीकली चार्ट में, तब तक अभी यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है. थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसका हायर लेवल और बॉटम लेवल हमारा ब्रेकआउट या और ब्रेकडाउन एज अ मार्क काम कर सकते हैं. तो ऊपर 15,468 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा. इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 15,483, एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा. और सेकंड टारगेट होगा 15,499, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा. ब्रेकडाउन लेवल को अगर ब्रेक करें टूवर्ड साउथ की तरफ तो 15,394 के नीचे चला जाए तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 15,373, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा. और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड ये जो लास्ट स्विंग है बना है अराउंड 15,353, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है. तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हैं मंडे के लिए. अभी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ये बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है, यानी 60 मिनट का चार्ट. अगर RSI और प्राइस एक्शन को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक स्लाइटली निगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है. अगर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ से ये देखिए कैसे हायर हाईज लगा रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया और नया हाई क्रिएट किया है. लेकिन RSI को देखें तो यहाँ पर इसने प्रीवियस हाई के नीचे ये हवाला हाई बनाया. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निगेटिव डाइवर्जेंस है. आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर बैंक निफ्टी हायर हाइज बना रहा है लेकिन यहाँ पर इसने लोअर हाइज बनाया और उसके बाद एक फॉल देखने को मिला और 20 EMA का सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हुआ.
तो यहाँ पर एक छोटा सा निगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। अगर 20 EMA के नीचे चला जाता है आर्ली चार्ट में तो एक बैंक निफ्टी में हमें करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी मंडे के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं हमारे, तो ऑल टाइम जो ये क्लोजिंग लेवल था, हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल 35,348, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करे तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,465, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,560, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर जो ब्रेकडाउन लेवल फ्राइडे के दिन था, वही ब्रेकडाउन लेवल हमारा मंडे के लिए होगा 34,898, क्योंकि ये 20 EMA को ब्रेक करे तो नीचे हो सकता है पेनेट्रेट होकर फिर से बाउंस बैक करे। तो कम्प्लीटली इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 34,791, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,688, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे के लिए लेवल्स हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।